ओम अज्ञानतिमिरन्धस्या ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा। तो आगे नारद मुनि जी बताते हैं कि राजा पुरंजन उस शहर के बाहरी इलाके की तरफ गया। जैसे हम कहते हैं ना, किसी शहर के अंदर में आउटस्कर्ट बोलते हैं, उस शहर का बाहरी जो किनारा होता है उसे आउटस्कर्ट बोलते हैं। तो घूमते घूमते पुरंजन राजा जब वहां पर गया तो वहां पर उसने बड़ा सुंदर अद्भुत दृश्य देखा। तो उसने देखा कि वहां पर बहुत सुंदर वन है, बाग है, बगीचे हैं और एक बहुत सुंदर तालाब है। तालाब के चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ हैं और लताएं हैं। तो पहला उसने क्या देखा, बहुत सुंदर तालाब है, बढ़िया गार्डन है और तालाब के चारों तरफ बढ़िया पेड़ हैं और लताएं हैं। दूसरा उसने देखा कि पेड़ और लताओं के बीच में बहुत सारे पक्षीगण हैं और खासकर कोयल जो हैं बड़ी मधुर आवाज में वहां पर अपनी मधुर ध्वनि निकाल रही है। दूसरा उसने ये देखा। तीसरा राजा पुरंजन ने देखा कि दूर जो पहाड़ हैं जहां पर बर्फ जमी हुई है और बर्फ पिघलने के कारण एक बहुत सुंदर झरना बन गया है। आप कल्पना कर सकते हैं, आप किसी जगह पर जाते हैं, वहाँ पर आप एक तालाब देखते हैं, तालाब के चारों तरफ बढ़िया वृक्ष हैं, लताएं हैं और सुंदर पक्षी हैं, खासकर कोयल वहाँ पर जो है मधुर ध्वनि निकाल रही है और उसके ही थोड़ी दूर पर आप देखते हैं कि एक झरना गिर रहा है पहाड़ों से। तो पहाड़ के ऊपर बर्फ जम जाती है सर्दियों में और जैसे जैसे सर्दी चली जाती है धीरे धीरे गर्मी ऋतु में वो बर्फ पिघलती है और नदियों के रूप में बहती है और पहाड़ों से जब वो ऊपर से गिरती है तो झरना कहलाती है, फॉल्स जिसे हम लोग कहते हैं। तो जब वहाँ पर नदी के पानी इस प्रकार से झरनों से गिरता है और हवा वहाँ पर चलती है तो हवा क्या करती है, पानी की उन बूंदों को लेकर के जाती है और पानी की बूंदों को जो है उस सारे वातावरण में फैला देती है और वहाँ पर फूलों की खुशबू पानी के कारण महक उठती है। मतलब सारा वातावरण बड़ा सुंदर प्रतीत होता है। तो ये दृश्य जो है जाकर के राजा पुरंजन ने देखा। देखिए इसका कितना बढ़िया अर्थ जो है नारद मुनि जो तुलना कर रहे हैं इसका बड़ा सुंदर अर्थ है। जैसे यहाँ पर बताया है कि जो हमारी ये जो पांच इंद्रियां होती हैं
उसके द्वारा हम पांच प्रकार के आनंद लेते हैं। क्या क्या रहता है देखिए, जैसे रूप, शब्द, स्पर्श, रस और गंध। हमारी पांच इंद्रियों के द्वारा हम पांच प्रकार के आनंद भोगते हैं। आँखों के द्वारा हम क्या भोगते हैं? अच्छा रूप हम आँखों के द्वारा जो है उसका भोग करते हैं। कहीं पर अच्छा वातावरण है, अच्छी सीनरी है, बढ़िया प्राकृतिक नेचर है, आँखों के द्वारा हम रूप जो है सुंदरता उसका भोग करते हैं। फिर है शब्द, कानों के द्वारा हम मधुर ध्वनि जो है सुनते हैं, शब्द के द्वारा, कानों के द्वारा जो है मधुरता का आभास हम करते हैं। और स्पर्श, हमारी त्वचा के द्वारा जब कुछ चीज़ों को हम स्पर्श करते हैं तो बड़ा आनंद आता है, और कुछ चीज़ों को स्पर्श करते हैं तो दुख होता है। कुछ ऐसी चीज़ जिसके द्वारा हमारे शरीर को पीड़ा होती है तो उससे तो हमें आनंद नहीं आता है, लेकिन कुछ चीज़ों के द्वारा अगर वो शरीर को स्पर्श करते हैं तो बड़ा आनंद आता है। इसी प्रकार से रस, अनेकों प्रकार के भोजन हम करते हैं जिसके द्वारा अनेकों प्रकार के रस हम ग्रहण करना चाहते हैं, उसको भोगना चाहते हैं, जीभ के द्वारा रस भोगा जाता है। और गंध, नाकों के द्वारा हम जो है, इसलिए मार्केट के अंदर में अनेकों प्रकार की जो है सेंट बॉटल आपको मिल जाती है, आप देखते हैं लोग जो है शरीर के ऊपर छिड़क करके जाते हैं, क्योंकि लोग पसंद करते हैं कि बढ़िया खुशबू कहीं पर आ रही है। तो ये पांच जो हमारी इंद्रियों के भोग के वस्तु हैं, ये सब राजा पुरंजन ने उस स्थान पर देखे। देखिए क्या क्या देखा, बढ़िया पेड़ पौधे, बढ़िया जो है वहाँ पर पहाड़ है, झरना गिर रहा है, और तालाब देखा। तो ये सब रूप का उसने जो है आँखों के द्वारा रूप का भोग किया। और क्या किया, जो सुंदर ठंडी हवा चल रही है, और उस गर्मी के समय में अगर ठंडी हवा शरीर को स्पर्श करती है तो बड़ा मज़ा आता है, आनंद आता है। तो स्पर्श का भी भोग कर रहा है, रूप का भी भोग कर रहा है, और सुंदर पानी का झरना बह रहा है। तो हम जब प्यासे होते हैं तो उस ठंडे पानी को पी करके रस का आनंद लेते हैं, तो रस भी है वहाँ पर। और जैसे मैंने बताया था कि हवा बढ़िया चल रही है पानी की बूंदों को लेकर के, और पानी की बूंदों के साथ में अगर जो है सुंदर जो वहाँ पर लताएं हैं, फूल हैं, फल हैं, उनकी महक को लेकर के हमारी जो है गंध की भी इच्छा वहाँ पर पूरी हो सकती है। तो ये भी हम देख रहे हैं, मधुमक्खियाँ वहाँ पर हैं, और कोयल की और अन्य जो पक्षी वहाँ पर हैं उनकी मधुर आवाज़ भी वो सुन रहा है। यानी पांचों इंद्रियों के भोग की वस्तु वहाँ पर है। ये शरीर के अंदर में, ये जो हम इस शरीर के अंदर में आत्मा ने प्रवेश किया है, ये पांचों प्रकार की भोग की वस्तु उपलब्ध है। नारद मुनि ये बताना चाहते हैं। राजा पुरंजन को जगह बहुत बढ़िया लग गई, अब वो वहाँ पर रहना चाहता है। आत्मा को भी ये शरीर बढ़िया लग जाता है, और इस शरीर के अंदर में वास करके इसी भौतिक संसार में हम इसी प्रकार से फंस जाते हैं, कैप्टिवेटेड हो जाते हैं। कैप्टिवेटेड का मतलब होता है एक प्रकार से मुग्ध हो जाते हैं, मोहित हो जाते हैं। ये जीवों की दशा है इस भौतिक संसार के अंदर में। आगे वो बताते हैं
कि इस प्रकार का वातावरण देखने के बाद में उनको क्या एहसास हुआ। उन्होंने देखा बढ़िया सुंदर तालाब है, पशु पक्षीगण हैं और सुंदर मधुर आवाज में गा रहे हैं, हवा चल रही है ठंडी ठंडी। तो ये सारा वातावरण देखने के बाद में राजा पुरंजन को क्या आभास हुआ उसका वर्णन बताया है। तो कहा है कि उसने देखा कि ये जो जंगल है वहाँ पर, इस जंगल के अंदर में शांत वातावरण के कारण जो जंगली पशु हैं वो भी आपस में भेदभाव छोड़ करके, अपनी खूंखारता को छोड़ करके वो भी शांत बैठे हैं। मानो शब्द का प्रयोग किया है मुनि व्रताई ही, जैसे मुनिगण जो होते हैं बड़े शांत होते हैं, साधुगण जो होते हैं शांत होते हैं। तो वहाँ पर ये तो जंगल है, लेकिन जंगल में तो हमें पता है कि जनरली शेर होता है, चीता होता है, तो जंगल में हम लोग थोड़ी सोच सकते हैं कि शांति होगी। जंगल के अंदर में अगर ऐसे खूंखार जानवर हैं तो वहाँ पर तो बड़ा भयंकर है, भयानक है। लेकिन उन्होंने वहाँ पर प्रतीत किया मुनि व्रतई ही कि जितने भी ये खूंखार जानवर हैं सब अपनी शत्रुता भूल करके आराम से शांति से वहाँ पर विहार कर रहे हैं, घूम रहे हैं। और क्या देखा, तो जैसे उन्होंने पहले ये देखा था कि शांत वातावरण में जो कोयल है उसकी गूंज सुनाई दे रही है। खूंखार जानवर तो चुप बैठे हैं लेकिन कोयल की जो गूंज है, मधुर गूंज, वो सुंदर मधुर ध्वनि वहाँ पर सुनाई दे रही है। और उसने देखा कि ऐसा वातावरण बन गया है वहाँ पर कि अगर कोई यात्री थका हुआ वहाँ से जाता है तो उसका मन करेगा कि भाई यहाँ पर थोड़ा आराम कर लूँ, अब मैं यहाँ से आगे नहीं जाऊँगा, यहीं पर लेट करके मैं थोड़ा सा शरीर को यहाँ पर मैं आराम कर लूँ। तो देखिए तीन चीज़ें राजा पुरंजन ने देखी और उसमें हमने देखा कि सारी इंद्रियों की भोग की वस्तु वहाँ पर थी, और बाद में शांत वातावरण देखा। वातावरण में क्या देखा कि ये तो जंगल है लेकिन जंगल में फिर भी सारे खूंखार जानवर भी शांति से आराम से बैठे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसकी जगह में जो मधुर जानवर हैं जैसे कोयल है उसकी आवाज़ गूंज रही है, ये भी देखा। और इतना शांत वातावरण देखने के बाद में उसको लगा कि अब मैं आगे नहीं जाऊं, बस यहीं पर थोड़ा आराम कर लूं, यहीं पर विराम करूं। तो ये जो है आचार्य गणों ने बताया है कि इसकी तुलना क्या बताई गई है। जीव इस शरीर के अंदर में आता है, इस शरीर में अंदर आने के पश्चात जब बचपन में हम लोग होते हैं तो हमारे मन में काम वासनाएं जागृत नहीं होती हैं, अनेकों प्रकार की ऐसी काम की वासनाएं जो है प्रकट नहीं होती हैं। लेकिन जैसे जैसे हम थोड़े बड़े हो जाते हैं तो हमारे मन के अंदर में काम वासनाएं प्रकट होनी प्रारंभ होती हैं। तो यहाँ पर जो बताया गया है, जो यहाँ पर दृश्य है कि एक जंगल है लेकिन बड़ा शांत है, तो जब हम बड़े होते हैं तो हमारा आकर्षण जो है दूसरे लिंग की तरफ बढ़ जाता है। स्त्री पुरुष की तरफ आकर्षित होती है और पुरुष स्त्री की तरफ आकर्षित होता है। जब वही छोटे बच्चे होते हैं तो हम तो कोई ऐसा आकर्षण नहीं देखते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते हैं वो आकर्षण होता है। तो इसी प्रकार से राजा पुरंजन अब उस आकर्षण में फंस गया है और अब वहीं पर रहना चाहता है। मतलब जब वो बड़े हो जाते हैं, हम देखते हैं वो बच्चे बड़े हो जाते हैं, आकर्षण बड़ा हो जाता है, बाद में क्या करते हैं, आपस में विवाह कर लेते हैं और विवाह करने के बाद में अपनी फैमिली लाइफ बसाते हैं।
तो ये जो शांत वातावरण बताया गया है वो गृहस्थ जीवन का बताया गया है, जहाँ पर पति पत्नी बच्चे जो हैं उनकी तुलना की गई है जानवरों से। लेकिन गृहस्थ जीवन में जहाँ पर आध्यात्मिकता की प्रगति के लिए कार्य किया जा रहा है वहाँ पर शांत वातावरण रहता है। लेकिन वही घर अगर हमारा केंद्र आध्यात्मिकता में प्रगति की जगह भोग तृप्ति है, वो सारा एटमॉस्फियर अशांत रहेगा, जंगल की भांति रहेगा। यथा ग्रहम तथा अरण्यम, हमारा घर बिल्कुल अरण्य की भांति जंगल की भांति हो जाएगा, जहां पर खूंखार जानवर होते हैं। इसलिए बताया गया है जिस घर में आध्यात्मिक प्रगति नहीं है, कृष्णा भावनामृत नहीं है, वहां पर क्या उदाहरण दिया है, स्वजन दस्युहु, स्वजन आख्य दस्युहु। वहां पर जो हमारे स्वजन होते हैं वो लुटेरों की भांति होते हैं। देखिए लुटेरे क्या करते हैं, अगर आप जंगल में जा रहे हैं, जो लुटेरे हैं वहां पर चुपचाप आपको आएंगे, आपके ऊपर अटैक करेंगे, आपको लूट लेंगे, आपका सारा पैसा निकाल करके फरार हो जाएंगे। तो जिस घर में कृष्णा भावनामृत नहीं है उसका उदाहरण दिया गया है कि उनके जो स्वजन होते हैं, उनके जो रिलेटिव्स होते हैं, घर के जो जन होते हैं, पत्नी है बच्चे हैं, वो सब लुटेरे की भांति होते हैं। आदमी काम करता है, मेहनत करके पैसा कमाता है, और इनके घर में जो उनके स्वजन हैं वो लुटेरे की भांति उसके पैसों को उड़ाते हैं, उसके बच्चे मौज करते हैं, उसकी पत्नी और बच्चे जो है अनेकों प्रकार के भोगों में पूरा पैसा उड़ा देते हैं, तो इसलिए उनको भी लुटेरे कहा जाता है। गृहस्थ जीवन में नहीं, ये ग्रह मेदी का जीवन होता है। जो व्यक्ति अपने जीवन में केवल भोग विलास करना चाहता है, और परिवार के अंदर में कई बार हमने देखा है कि थोड़े झगड़े वगैरह होते हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि रिलेशन अच्छी होती है तो उनके झगड़े भी जो हैं, ये जो यहाँ पर कोयल की आवाज़ है उसकी भांति हमें मधुर लगती है। और तीसरा, जैसे बताया था कि इस प्रकार के वातावरण को देख करके राजा को लगा कि मैं यहाँ पर आराम कर लूँ, तो इसी प्रकार से आत्मा जो है इस प्रकार के भोग विलास के जीवन में फंस जाती है। तो और आगे अब नारद मुनि जो है राजा पुरंजन की क्या कथा बताएंगे, उसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।